आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:20 से लेकर 6:20 तक दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही लगने के कारण धर्मनगरी हरिद्वार में तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक दृष्टि से इस चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जा रहा है, क्योंकि कार्तिक मास में यह दूसरा चंद्र ग्रहण जो है वो 15 दिन के अंदर लगा हो रहे है। सहयोग महाभारत में समय भी पड़ा था, इसलिए यह ग्रहण मनुष्य के जीवन में काफी प्रभाव डालेगा। ज्योतिष दृष्टि से इन ग्रहण को काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि राहु की प्रदी में जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। वर्तमान में मेष राशि में राहु चल रहा है और चंद्रमा का आगमन भी मेष राशि में हुआ है और यह चंद्र ग्रहण इस वर्ष का अंतिम ग्रहण है। भारत में चंद्र ग्रहण 5:20 पर दिखाई देगा और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले लगा है। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण 1 घंटा पूर्व ही प्रारंभ 6:20 तक चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव रहेगा और उसके बाद ही मंदिरों में कपाट खोलकर पूजा अर्चना की जाएगी। और उसी में चंद्रमा का प्रवेश डालने वाला कार्तिक अमावस्या को सूर्य ग्रहण था और आज कार्तिक पूर्णिमा को संध्या काल में चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का एक विधान है, जितना हो सके मनुष्य को सूतक काल में भोजन आदि से बचना चाहिए और भगवान शिव अथवा चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए। चंद्रमा का ग्रहण जब प्रारंभ होता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक मिलता है और खास करके ग्रहण काल में जप और पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई भी अग्नि से संबंधित कार्य भी नहीं करना। आपको बता दें कि ग्रहण को लेकर मंदिरों में कपाट बंद कर दिए गए हैं और इसका काफी प्रभाव माना जा रहा है। सबसे ज्यादा ज्योतिष के अनुसार मेष राशि पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण के वक्त भी हरिद्वार के कपाट बंद कर दिए गए थे सभी मंदिरों के, और ठीक वैसे ही चंद्र ग्रहण भी काफी ऐसा माना जा रहा है कि काफी प्रभाव डालेगा और कई राशियों पर इसका प्रभाव है। सबसे ज्यादा मेष राशि पर है। हरिद्वार और ऋषिकेश में जो भी मंदिर हैं उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं और जैसे ही यह ग्रहण खत्म होगा उसके बाद फिर से सभी घाटों से गंगा जल से धोया जाएगा, मंदिरों को धोया जाएगा और उसके बाद ही पूजा अर्चना की जाएगी और आरती की जाएगी। कहा यह जाता है कि इसका असर हर किसी के जीवन पर कुछ ना कुछ पड़ता है, इसलिए इस समय अवधि में हमें खाना पीना का ग्रहण नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, जो एहतियात बरते जाते हैं वो बरतने चाहिए और उस वक्त पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है। हालांकि ये एक साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन सनातन धर्म में इसका बड़ा प्रभाव माना जाता है। इस वजह से चंद्र ग्रहण को लेकर हरिद्वार में सभी मठ मंदिर के जो पट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही ये ग्रहण खत्म होगा वैसे ही मंदिरों को गंगा जल से धोया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं नरेश तोमर हमारे सहयोगी। नरेश, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर गतिविधि देखने को मिल रही है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब पड़ा था तब हरिद्वार के जो मठ मंदिर सब बंद कर दिए गए थे और खत्म होने के बाद गंगा जल से उन्हें धोया गया था, तो इस बार चंद्र ग्रहण पर इसका असर किस प्रकार से लोगों में और मठ मंदिरों में दिख रहा है नरेश? नरेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? नरेश से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ग्रहण को लेकर मठ मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ नरेश से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर आखिर लोगों में क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे चंद्र ग्रहण को लेकर, क्योंकि हर कोई इस खगोलीय घटना को अलग अलग तरीके से लेता है, लेकिन सनातनी धर्म में ज्योतिष में इसका बड़ा प्रभाव माना जाता है और स्पेशल चंद्र ग्रहण कहा यह जा रहा है कि काफी ज्यादा प्रभावशाली है और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसे लोग काफी प्रभावशाली मान रहे हैं। इसलिए ज्यादातर लोग चंद्र ग्रहण के वक्त घर से बाहर नहीं निकलेंगे।